नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल के कई भागों में 3 दिन बारिश के आसार, 6 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश की संभावना है, वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 6 से 8 मई तक प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। 6 मई के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी व शिमला जिले के कई स्थानों पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 9 मई को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूरा अनुमान है। आज राजधानी शिमला व आसपास के भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। आतंकियों से सेना की मुठभेड़, हिमाचल के 2 जवान शहीद, क्षेत्र में शोक की लहर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में हिमाचल प्रदेश के 2 जवान शहीद हो गए। सिरमौर जिले के शिलाई गांव के जवान प्रमोद नेगी शहीद हुए हैं। शिलाई सहित पूरे गिरिपार क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं कांगड़ा जिले के धीरा उपमंडल की पंचायत मरू के नाइक अरविंद कुमार भी शहीद हुए हैं। अरविंद 9 पैरा कमांडो में कुपवाड़ा में तैनात थे। अरविंद 2 माह पहले ही छुट्टी काट कर ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद होने की खबर सुनते ही माँ और पत्नी बेसुध हो गई। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। अरविंद अपने पीछे माता पिता, पत्नी व 2 बेटियों को छोड़ गई हैं। चंबा में छात्रा से छेड़छाड़ करने पर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज। चंबा जिले के चुराह क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। प्रधानाचार्य की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि स्कूल में SMC पर तैनात शिक्षक द्वारा स्कूल में उसके साथ अश्लील हरकतें की गई। पहले तो छात्रा चुप रही, लेकिन जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसने अपने परिजनों को बताया। इसके बाद परिजनों ने दूरभाष के माध्यम से प्रधानाचार्य से शिकायत की। वहीं प्रधानाचार्य ने पुलिस थाना तीसा में शिकायत दर्ज करवा दी है। SP अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद पुलिस ने IPC की धारा 354A व 354B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच चल रही है। दलाई लामा बोले, दया और प्रज्ञा दोनों का एक साथ अभ्यास करना बताती हैं बुद्ध की शिक्षाएं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के शुभ अवसर पर दुनिया भर में बसे बौद्ध अनुयायियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने यहीं पर 4 आर्य सत्यों, निर्वाण तथा पहुंचने के 37 खंडों और मानव कल्याण के लिए जरूरी ज्ञान की अन्य अवस्थाएं बताई थी। बुद्ध की शिक्षाओं के केंद्र में दया और प्रज्ञा दोनों का ही एक साथ अभ्यास जरूरी बताया गया है। वहीं दलाई लामा ने कहा कि निर्वाण प्राप्ति के लिए परोपकार की भावना यानी बोधि चित्त का अभ्यास ही महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। सीमा सड़क संगठन में तैनात चालक की मौत, गांव में शोक की लहर। सीमा सड़क संगठन में बतौर चालक तैनात मंडी की लड़भड़ोल तहसील की खदर पंचायत के संतोष ठाकुर पुत्र रोशन ठाकुर की सिंगला टोप में अचानक मौत हो गई। वह 3 दिन पहले ही सोलंग वैली से दूसरे जवानों को राशन छोड़ने के लिए पदम गए थे। राशन छोड़ने के बाद वापस आ रहे थे तो पदम के पास सिंगला टोप में वीरवार दोपहर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं अन्य साथियों ने केलांग सिविल अस्पताल पहुंचाया, यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संतोष ठाकुर करीब 10 सालों से सेवाएं दे रहे थे। जोगिंद्रनगर के SDM KK शर्मा ने कहा कि पार्थिव देह जल्द उनके पैतृक गांव खदर पहुंचाई जाएगी। बता दें कि सीमा सड़क संगठन के प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री बोले, कांग्रेस ने चुनावी जीत की लगाई हैट्रिक, अब चौका लगाने की तैयारी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी जीत की हैट्रिक लगा ली है, अब चौका लगाने की तैयारी है। मंडी संसदीय सीट सहित फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट के उपचुनाव से कांग्रेस की जीत का सिलसिला शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव में 2री जीत मिली, अब नगर निगम शिमला के चुनाव में 3री जीत मिली है। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर कांग्रेस लगातार 4थी जीत दर्ज करेगी। वहीं कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि शिमला में मिली जीत ने मुख्यमंत्री सुक्खू की लोकप्रियता को साबित किया है।
पूर्व में कांग्रेस या भाजपा की किसी भी सरकार के समय नगर निगम में इस तरह का प्रचंड बहुमत किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला। शिमला में सभी 12 जिलों और 68 विधानसभा क्षेत्रों के लोग रहते हैं। सहायक जिला न्यायवादी की अधिकतम भर्ती आयु 35 से 45 वर्ष न करने पर हाईकोर्ट सख्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक जिला न्यायवादी की अधिकतम भर्ती आयु 35 से 45 वर्ष न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले से जुड़ा रिकॉर्ड सरकार से तलब किया है। अदालत ने वर्ष 2003 और 2017 के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की जानकारी भी मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में कांग्रेस को वोट देकर इन मतदाताओं ने मुख्यमंत्री सुखू के मजबूत नेतृत्व और उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगाई है। मतली कुहल में डेढ़ मंजिला घर और गौशाला राख, दंपति और 5 मवेशी झुलसे। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय कुल्लू और पर्यटन नगरी मनाली के बीच स्थित पतली कुहल क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में डेढ़ मंजिला घर समेत गौशाला जलकर राख हो गई। आग की चपेट में आने से दंपति के अलावा एक गाय और 4 भेड़े भी झुलस गई हैं। अग्निकांड ग्राम पंचायत हलान 2 के शिला गांव में हुआ है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत हलान 2 के शिला गांव में आज सुबह 7 बजे भोलाराम के घर में अचानक आग भड़क गई। वहीं घर से उठता धुआं और आग की लपटें निकलती देख गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचित किया और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने भी ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जीवन भर की पूंजी राख का ढेर बन गई। दूसरी ओर पतली कुहल अग्निशमन प्रभारी छपे राम ने कहा कि भोला राम और उनकी पत्नी तारा देवी आग बुझाते झुलस गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतली कुहल में प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्होंने बताया कि अग्निकांड में 8 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि 50 लाख की संपत्ति को बचा लिया गया है। बचाई गई संपत्ति में टीकम राम बुध राम के घर समेत 7 लगता सेब का बगीचा भी शामिल है। शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों को संशोधित वेतनमान देने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों डीपी को संशोधित वेतनमान देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वो 6 सप्ताह के भीतर शारीरिक शिक्षकों को संशोधित वेतनमान 1 अक्टूबर 2012 से अदा करे। अदालत ने विभाग को आदेश दिए कि इन शिक्षकों को दिए जाने वाला संशोधित वेतन पेंशन निर्धारण के लिए भी गिना जाए। याचिकाकर्ता नानक चंद और अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। वहीं याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग ने सिर्फ शारीरिक शिक्षक डीपी की श्रेणी को छोड़कर 19 श्रेणियों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ 1 अक्टूबर 2012 से दिया है, लेकिन शिक्षकों को यह लाभ 1 नवंबर 2014 से दिया गया। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।